नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों की खुशी का नहीं रहा ठिकाना, 18 महीने के डीए एरियर पर मिली चौंकाने वाली न्यूज। तो दोस्तों, जो 18 महीने के बका डीए एरियर पर न्यूज आई है उसके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि 18 महीने के बका डीए एरियर पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी की। दोस्तों, मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब 18 महीने का अटका पड़ा डीए एरियर का पैसा डालने जा रही है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है। माना जा रहा है कि सरकार यह फैसला किसी भी दिन ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर यह साल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं होगा, जो लोगों का दिल जीतने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा सरकार कर्मचारी के डीए में भी बढ़ोतरी कर सकती है, जिसके बाद बेसिक सैलरी में ठीक ठाक इजाफा होना संभव है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारी को जल्द ही 18 महीने का बकाया डीए एरियर मिलने वाला है। मोदी सरकार डीए एरियर पर बड़ा अपडेट देने जा रही है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। माना जा रहा है कि सरकार 18 महीने का अटका पड़ा डीए एरियर का पैसा खाते में डालने जा रही है, जिससे कर्मचारियों को बम्बर फायदा होगा। प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को करीब 2 लाख रुपए से ज़्यादा मिल जाएंगे, जो राशि महंगाई में किसी बूस्टर डोज से कम नहीं होगी। दोस्तों, दरअसल कोरोना वायरस के समय 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का डीए एरियर का पैसा नहीं भेजा गया, जिसकी मांग कर्मचारी और पेंशनधारक लगातार करते रहते हैं। अब चर्चा है कि पैसा मिल सकता है, लेकिन अभी तक सरकार ने इसका ऐलान नहीं किया। मोदी सरकार डीए में करीब 4% डीए में बढ़ोतरी करने जा रही है, जिसके बाद सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा, जिसके बाद डीए बढ़कर 42% से सीधा 46% हो जाएगा। अब जो डीए में बढ़ोतरी होने जा रही है उसकी तरह 1 जुलाई 2023 से लागू मानी जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।